गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी। आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी चैप्टर 4 में आज हम बिजनेस एंड सर्विस सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बिजनेस व्यावसायिक सेवा क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जो बिजनेस सर्विसेज होती है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, सर्विस सेक्टर क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, है ना। प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोड्यूसर होता है वो वस्तु जो प्रोडक्ट होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसका प्रोडक्शन करता है। बट द फंक्शंस ऑफ सेंडिंग ऑफ दोस प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स बिकम्स पॉसिबल जस्ट बाय बिजनेस सर्विस। अब प्रोडक्शन के बाद उस वस्तु को जो है कस्टमर तक पहुंचाना पड़ता है ना। तो उसके लिए जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बिजनेस सर्विस की सहायता लेते हैं। बिना बिजनेस सर्विस की सहायता से वो अपनी वस्तु को अपने कस्टमर तक नहीं पहुंचा सकता। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट करेगा तो कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन जाएगी एडवर्टाइजमेंट से, है ना। इंश्योरेंस के माध्यम से इंश्योरेंस करेगा तो इंश्योरेंस से उसकी वस्तु क्या रहेगी, सुरक्षित रहेगी। बैंकिंग सेक्टर बैंक की सेवाएं लेगा तो वो उससे आदान प्रदान कर सकता है। कम्युनिकेशन जो संदेश है वो अपने कस्टमर तक पहुंचाएगा, उससे भी वस्तु का जो एक सही इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुंचा सकता है ना। और ट्रांसपोर्टेशन जो वाहन वगैरह इनसे अपने वस्तु को एक स्थान से अपने प्रोडक्शन जहां पर होता है वहां से अपने स्थान तक पहुंचा सकता है ना, स्टोरेज कर सकता है। इस प्रकार की सर्विसेज को उसे लेना पड़ेगा, बिजनेस सर्विसेज को लेना पड़ेगा, उसके बाद वो क्या कर सकता है अपनी वस्तु को एक कस्टमर तक पहुंचा सकता है, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस की जो सेवाएं होती है, बिजनेस की जो सेवाएं होती है उसकी जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट वाला पॉइंट है इंटेजिबिलिटी। इंटेजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब अमूर्त होती है, मतलब इसकी कोई मुहूर्त नहीं होती है। सेवाएं जो दी जाती है उसको हम देख नहीं सकते हैं, है ना, ना कोई उसको टच कर सकते हैं, उसको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, तो इस प्रकार से जो ये होती है इंटेजिबल सर्विसेज होती है, जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस सर्विस जो होती है ना, एडवर्टाइजमेंट होती है, ये जो सर्विसेज होती है इनको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनकॉन्सिस्टेंसी। इनकॉन्सिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, असंगतता। इनकॉन्सिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, असंगतता, मतलब जो वस्तुएं होती है वो एक प्रकार से एक रूप में अपने कस्टमर को दी जा सकती है, लेकिन जो सर्विस होती है वो कस्टमर को एक साथ एक रूप में नहीं दी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है अभिन्नता। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है, अभिन्नता। ये जो सेवाएं होती है इसमें एक अभिन्नता पाई जाती है, इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस रिसीवर, सर्विस प्रोवाइडर सर्विस देने वाला और सर्विस पाने वाला जो होता है वो दोनों एक साथ उपस्थित होने चाहिए। सर्विस देने वाला और सर्विस पाने वाला दोनों एक साथ आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए, तब जाके सर्विस को जो है कि आदान प्रदान किया जा सकता है। इंटेजिबिलिटी मतलब अभिन्नता, इनकॉन्सिस्टेंसी का मतलब होता है असंगतता, और इंटेजिबिलिटी का मतलब होता है अमूर्तता, ठीक है। नेक्स्ट है स्टोरेज। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, स्टोरेज। जो सर्विस होती है वो उसी समय लेनी पड़ती है, इसका स्टोरेज आप नहीं कर सकते हैं, है ना। जो सर्विस आज लेनी है आपको, जो सेवा आज लेनी वो आज ही आपको लेनी पड़ेगी, उसके लिए आप उसको स्टोरेज नहीं कर सकते हैं, उसको आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कस्टमर्स प्रेजेंट, मतलब जिस व्यक्ति को ये सर्विस लेनी है उसको एट ए टाइम वहीं पर प्रेजेंट होना पड़ेगा। यदि वो एब्सेंट रहता है तो वो उस सर्विस को जो है कि ले नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फर्स्ट वाले इंटेजिबिलिटी, इनकॉन्सिस्टेंसी और इंटीग्रिटी, स्टोरेज और कस्टमर्स प्रेजेंस, है ना, प्रेजेंट।
अब इसमें डिफरेंस समझेंगे, इसमें डिफरेंस गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है, गुड्स और सर्विस में क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम समझेंगे। फर्स्ट वाला डिफरेंस क्या है इसके अंदर, मीनिंग। फर्स्ट वाला डिफरेंस क्या है, मीनिंग। अर्थ गुड्स, गुड्स आर टेंजिबल विच कैन बी सीन एंड टचेड, मतलब जो वस्तुएं जो होती है उसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, उसको हाथ भी लगा सकते हैं। सर्विस कैन नॉट सी और टच इट, मतलब जो सर्विस होती है, जो सेवाएं होती है, उनको ना तो हम देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, उनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो ये है इसके अंदर, मीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, मोर्टेलिटी का मतलब होता है नाशवान। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, नाशवान मतलब समाप्त हो जाए, ठीक है। जनरली द थिंग्स आर नॉट फुल मोर्टल, मतलब जो जो थिंग्स होती, जो वस्तुएं होती है वो जो है कि पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है, पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो सकती है। मोर्टल मतलब समाप्त होना, ठीक है। सर्विस आर मोर्टल, सर्विस आर मोर्टल, जो सर्विस होती है, जो सेवाएं होती है, वो क्या होती है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका स्टोरेज। स्टोरेज दे कैन बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, मतलब जो गुड्स होती है उसको फ्यूचर के लिए हम स्टोर करके रख सकते हैं, जो वस्तुएं होती है कभी भी उसको स्टोर करके रखा जा सकता है और फ्यूचर में कभी भी उसकी उसका यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, मतलब जो सर्विस है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसको एट ए टाइम एट प्रेजेंट वहीं पर लेना पड़ता है, ठीक है। सेवा को उसी समय लेना पड़ता है, जैसे कि कोई शिक्षक है, आपको कोई जो टीचर जो होता है आपको पढ़ाता है क्लासरूम में, तो उसी समय उस सर्विस को लेना पड़ता है, उसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। और वस्तु को आप कभी भी यूज कर सकते हैं, उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ट्रांसफर इसको आप समझना, देयर ओनरशिप इज ट्रांसफरेबल, है ना, मतलब ट्रांसफरेबल, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो ओनरशिप है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, सॉरी देयर आर ओनरशिप इज ट्रांसफर, मतलब जो गुड्स है उसका जो मालिक है, हम एक वस्तु को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, एक स्थान, एक हमने जो परचेस किया है हम किसी दूसरे व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, उसको सोल्ड कर सकते हैं, इसमें जो ओनरशिप है वो क्या हो सकती है, ट्रांसफर हो जाती है। दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, मतलब ये जो है सर्विस है इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ये हमें ही लेना पड़ता है, जैसे किसी को पढ़ना है तो उसी को ही वो सर्विस लेनी पड़ती है, कोई उसकी जगह पर कोई दूसरा पढ़ने के लिए नहीं जा रहा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन गुड्स आर प्रोडक्शन, मतलब इसका उत्पादन किया जाता है, जो गुड्स होती है उसका प्रोडक्शन किया जाता है, और ये जो सर्विसेज होती है दे आर कंप्लीटेड, ये संपन्न होती है, मतलब ये पूर्ण, ये संपन्न होती है, और इसका क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, और इसका क्या होगा, दे आर कंप्लीटेड, ये पूर्ण होती है, संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ये इसका जो है डिफरेंस है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मीनिंग, मॉर्टेलिटी, स्टोरेज, ट्रांसफर और प्रोडक्शन, ये इसकी क्या है, ये इसका डिफरेंस है, अच्छे से इसको लर्न कर लेना, है ना। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके डिटेल आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिटिविटी, इनकॉन्सिस्टेंसी, उसके बाद इंटीग्रिटी और स्टोरेज, कस्टमर प्रेजेंट, मतलब उसको प्रेजेंट लेना पड़ता तभी वो सर्विस ले सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।